ఘాటనీగదంచర ప్రవాహ పావితస్థలీ ఘలేవలంబ్యలంబితాంబుజంగం కుంభకాళికామట్టమట్టమన్నినాదమట్టమల్వయ. जय जवाहर, हेलो नमस्ते. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में. दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ शिवरी नारायण के निकट स्थित खरौद में, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक मंदिर जो है, यह है लक्ष्मणेश्वर मंदिर. और इस मंदिर में बहुत सारी पुरातात्विक जो मूर्तियाँ हैं, धरोहर हैं, वह पाई गई हैं. और यह मंदिर लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में बना हुआ होगा. तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, और आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर किस तरह की प्राचीन मूर्तियाँ हैं और उनके बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं. मित्रों, आज हम दर्शन कर रहे हैं भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव जी का. यह जो मंदिर है यह अत्यंत प्राचीन है, और यहाँ पर जो शिलालेख स्थित है उसमें कहा गया है कि 8वीं शताब्दी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था. मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही हमें दिखाई देता है एक ऐतिहासिक कूप जो कि मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित है, द्वार के निकट. और हम समक्ष देख रहे हैं दो अत्यंत सुंदर मंदिर के शिखर. एक शिखर मुख्य शिखर है जो कि पीछे है. इन दोनों मंदिरों में जो कि पश्चिमाभिमुखी हैं, एक में राधे कृष्ण जी की मूर्ति है और दूसरे में भगवान शिव जी की. आइए मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं. जैसे ही हम मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने दक्षिण हस्त की ओर देखते हैं. एक मंडप सदृश संरचना निर्मित है और भीतर हमें कुछ प्रतिमाएँ दिखाई दे रही हैं. सर्वप्रथम हम जैसे ही ऊपर आते हैं तो हमें यहाँ पर एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा दिखाई देती है. हम यहाँ पर देख रहे हैं पंडित दामोदर प्रसाद जी की प्रतिमा. आप सोच सकते हैं कि इनका नाम पंडित दामोदर प्रसाद है, यह पता कैसे चला? तो जो प्रतिमा है यह करबद्ध मुद्रा में है, और इसके दोनों ओर देवियों की अन्य प्रतिमा हैं. ऊपर माला धारण किए हुए विद्याधरों की प्रतिमा है. परंतु ये जिस पीठ पर बैठे हुए हैं उस पीठ पर एक शिलालेख अंकित है जिसमें लिखा है पंडित श्री दामोदर राय मूर्ति. और यहीं से जब हम कुछ आगे चलते हैं तब यहाँ हम देख सकते हैं कुछ अत्यंत प्राचीन जैन प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं, जिन्हें यहाँ कुछ भिन्न नामों से इनकी पूजा की जाती है स्थानीय स्तर पर. परंतु इनके मुद्राएं देखकर हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि ये कुछ जैन प्रतिमाएं हैं. और इसके भीतर हम यहाँ देख पा रहे हैं भगवान राधे कृष्ण जी की प्रतिमा. अब आइए चलते हैं एक दूसरे मंदिर में जो कि इसी मंदिर के पार्श्व में स्थित है. दूसरी ओर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक और मंदिर का शिखर, और इसके समक्ष ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं नंदी जी की एक प्रतिमा जो कि अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है, और उनके पीछे गणेश जी की प्रतिमा. आइए वहाँ चलते हैं. पश्चिम भाग में हम देख रहे हैं भगवान गणेश जी, और यहाँ नंदी जी की एक प्रतिमा जो भगवान लक्ष्मणेश्वर जी की ओर अपना मुख किए हुए हैं. प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है, अतः तनिक खंडित हो चुकी है. इन्हें घंटियों से और अन्य आभूषणों से सुंदर सजाया गया है. यहीं से जब हम आगे प्रवेश करते हैं यहाँ हम देख रहे हैं भगवान शिव जी का लिंग स्वरूप. मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व आइए हम दर्शन कर लेते हैं मंदिर के बाह्य भाग का. मंदिर का बाह्य भाग हम देख रहे हैं, यहाँ पर मंडप है, अंतराल है और गर्भगृह है. मंदिर के चारों ओर इस प्रकार से प्रदक्षिणा पथ निर्मित है. जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तब हम अपने समक्ष ही यहाँ पर नमलेश्वर जी अर्थात जो कि शिव जी को एक नाम यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, इसके भीतर एक शिवलिंग स्थापित है. हालांकि शिवलिंग कुछ नवीन प्रतीत होता है. आइए दर्शन करते हैं शिव जी के लिंग स्वरूप का. शिव जी का यह जहाँ पर लिंग स्वरूप है इससे कुछ ही आगे जैसे हम आते हैं तब यहाँ पर एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा दिखाई पड़ती है. ध्यान से देखें तो ये एक राजपुरुष और राजमहिषी की प्रतिमा है. ये जिस पीठ पर आसीन है वहाँ पर सिंह निर्मित है, अतः ये सिंहासन पर निर्मित है. सिंहासन पर ये बैठे हुए हैं, अतः ये जो है राजा एवं राजमहिषी की प्रतिमा है. ये दोनों अपने हाथ जोड़े हुए हैं और इनके सिर पर छत्र शोभायमान है. पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार ये राजा खड़गदेव एवं उनकी अर्धांगिनी की प्रतिमा है जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था. मंदिर का जो गर्भगृह है उसके उत्तरी पार्श्व भित्ति में मंदिर के निचले भाग में एक लघु देवकुलिका निर्मित है जिसके भीतर हम देख रहे हैं भगवान गणेश जी की एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा. जहाँ भगवान गणेश जी की प्रतिमा है उनके पार्श्व में एक और देवकुलिका निर्मित है जिसके भीतर एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है भगवान उमा महेश्वर की. नीचे हम देख पा रहे हैं एक ओर नंदी और दूसरी ओर सिंह है. ऊपर भगवान उमा महेश्वर की प्रतिमा है. भगवान शिव जी अपने हाथ में शूल एवं नीचे मातुलिंग धारण किए हुए हैं.
देवी उमा उनके पार्श्व में आसीन हैं। कुछ श्रद्धालु हैं जो कि भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव जी के दर्शन करने यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कहाँ से? कोसमकुंडा से ये भगवान के दर्शनार्थ यहाँ पर आए हुए हैं। और आइए अब प्रवेश करते हैं मंदिर में और दर्शन करते हैं भीतर स्थित प्रतिमाओं के। यहाँ हम देख रहे हैं नंदी जी की प्रतिमा। नंदी जी जो है भगवान लक्ष्मणेश्वर की ओर मुख किए हुए हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत अधिक भीड़ है, बहुत अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। और आगे की जो प्रतिमा है उनके हम आइए कुछ दर्शन करते हैं। तो मंदिर के मंडप में प्रवेश करते ही हमें अनेक प्राचीन स्तंभ दिखाई देते हैं और इन प्राचीन स्तंभों में जो है मंदिर का या जो मंडप है उसका छत जो है टिका हुआ है। और यहाँ हम पार्श्व में यहाँ हम देख पा रहे हैं एक अत्यंत प्राचीन शिलालेख। यह जो शिलालेख है वह कोटिल नागरी लिपि में अंकित है और इसकी जो प्रथम पंक्ति है वह ओम नमः शिवाय से आरंभ होती है। ऊपर में इसके जो सारांश हैं वह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। मंदिर में आगे जाने पर जहाँ पर मंदिर का अंतराल है, मंदिर के अंतराल में आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनार्थ आए हुए हैं। सामने में जो है पंडित जी हैं और इसके समक्ष ही दो अत्यंत अलंकृत स्तंभ हमें दिखाई दे रहे हैं। दोनों अलंकृत स्तंभ में जो हमारे वाम हस्त की ओर जो स्तंभ दिखाई दे रहा है, आइए इनमें स्थित प्रतिमा का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम हम नीचे देख पा रहे हैं भगवान अर्धनारीश्वर की प्रतिमा। भगवान अर्धनारीश्वर जो हैं हम देख सकते हैं, इनका भगवान का जो दक्षिण भाग है वो शिव जी का है, वह वाम भाग जो है वह शक्ति का है। और भगवान शिव जी अपने हाथ में नाग एवं त्रिशूल धारण किए हुए हैं। माता पार्वती अपने हाथ में जो है वो दर्पण धारण किए हुए हैं। नीचे उनके अनुचर यहाँ पर दिखाए गए हैं। ऊपर एक नाग की प्रतिमा है। जो पार्श्व में हमारे दक्षिण हस्त की ओर जो स्तंभ है यह भी अत्यंत अलंकृत स्तंभ है और इसमें जो प्रतिमाएं हैं, आइए नीचे से इनका अवलोकन आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं भगवान का वराह अवतार। भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है पृथ्वी का उद्धार करते हुए हम देख रहे हैं। और इनके ठीक ऊपर भगवान का त्रिविक्रम स्वरूप, नीचे वामन जी बलि से दान मांगते हुए और ऊपर भगवान का त्रिविक्रम स्वरूप। उनके ऊपर हम देख पा रहे हैं बाली एवं सुग्रीव का युद्ध और इनके पश्चभाग से जो है भगवान श्री राम वाण चलाते हुए। ऊपर पुनः नाग की प्रतिमा हम यहाँ पर देख सकते हैं। का दक्षिणी पार्श्व हम यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर युगल प्रतिमा है, उसके ऊपर पुनः एक युगल प्रतिमा है। ऊपर जो है लंका गमन के समय हम देख पा रहे हैं राम एवं लक्ष्मण जी एवं यहाँ हम देख पा रहे हैं वानर सेना। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पूर्व अंतराल है तो अंतराल के द्वार पर हमें अनेक सुंदर प्रतिमाएँ देखने को मिलती हैं। सर्वप्रथम हम नीचे द्वारपाल की प्रतिमा देख रहे हैं। उनके ऊपर हम देख रहे हैं मकर। मकर के ऊपर आरूढ़ है देवी मकरवाहिनी गंगा। उनके ऊपर जो है मयूर छत्र अंकित है। और इसी प्रकार इसी द्वार के दूसरी ओर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे पुनः द्वारपाल की प्रतिमा है और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कच्छप। कच्छप के ऊपर आरूढ़ है देवी कच्छप वाहिनी यमुना। जब भी हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तब नदी देवियों के चरण स्पर्श करके प्रवेश करते हैं ताकि हमारा तन मन पवित्र हो और इसके पश्चात हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पूर्व आता है अंतराल। अंतराल से होते हुए हम भीतर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम भीतर प्रवेश करते हैं तब हमें दर्शन होते हैं सिंह भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव जी के। लक्ष छिद्र हैं इसमें 100,000 छिद्र हैं और इन 100,000 छिद्र में 100,000 चावल अर्पित करने से भक्त की अभीष्ट मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय, जय लक्ष्मणेश्वर महादेव। दोस्तों आप लोगों ने दर्शन किया लक्ष्मणेश्वर महादेव जी के मंदिर का। उम्मीद है आप लोगों को आज का यह जो वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर आपने आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।